हाँ जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, दिन के बजने लगभग 12 और 2 दिन की लगातार बारिश होने के बाद में अभी मौसम कुछ इस तरह का है। बारिश रुकी हुई है, मौसम तो फिलहाल बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की सी जो है धूप, ऐसे धूप की जो चमक होती है वो लग रही है। और व्यू 2 दिन की बारिश के बाद में मतलब एकदम कमाल का लग रहा है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब चारों तरफ ग्रीनरी और ये इतना औसम सा व्यू। इस प्यारे से व्यू को देखने के बाद में, सही बोलूं तो मैं अपने गांव के व्यू को मिस कर रहा हूं। तो वहां पर भी कितना प्यारा व्यू है, आपको पता ही है, आपने देखा ही होगा। अभी तो वहां पे बर्फ पड़ी है, मतलब एकदम औसम लग रहा होगा। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ आए बहुत दिन हो गए तो वापस जाता हूँ, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बारिश होती है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ गिर जाती है। तो मैंने फोन करके पता करा था, तो वहाँ पे 2 दिन से मतलब बर्फ वहाँ पर गिर रही थी फिर से। तो अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। और रोड का भी आपको पता ही है कि ऐसे में बर्फबारी होती है तो स्लाइडिंग वगैरह होती है, तो ऐसे में रोड भी खराब होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन वहाँ घर में रह के उसके बाद फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे वापस आ जाऊंगा। अगर आरती का मन ना ही लगेगा तो आरती को यहीं पे छोड़ जाएंगे। अभी देखते हैं उसके बारे में क्या बनता है क्या नहीं। आरती से फिलहाल बात करनी पड़ेगी उसके बारे में। अभी आरती को मैंने वैसे ऊपर टेरेस पे बुलाया हुआ है, मतलब ऊपरी वाली मंजिल पे बुलाया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी रील्स बनाने वाले हैं। ब्लॉग तो डेली नहीं बनाते अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको पता ही है अंदर ही अंदर कितना ब्लॉग बनाना, और मैं कहीं जाता नहीं हूँ, आरती कहीं जाती, तो ऐसे में डेली का वही चला रहता है कि अपने चाहने वाले हैं जैसे, तो भाई लोग तो वो बोलते हैं कि डेली रूटीन बताओ अपनी और जो भी है, मतलब डेली ब्लॉग डालो, हम लोग वेट कर रहे होते हैं। तो ऐसा है कि यार भाई लोग, मैं इसलिए डेली ब्लॉग नहीं अपलोड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं डेली अपलोड करने लग जाऊं, यहाँ पे घर में ही रहता हूँ आपको मैंने बताया जैसे कि, तो यहाँ पे घिसे पिटे डेली की वही बकवास होगी। तो ऐसे में मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, है ना। तो कभी कहीं जाऊंगा और कहीं मतलब इंटरेस्टिंग सी जगह होगी तो वहां पे डेली ब्लॉग भी अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि आपको मजा आए। ऐसे में तो घिसे पिटे से ब्लॉग होंगे, आपको ब्लॉग देखने में मजा नहीं आएगा, तो ऐसे में क्या फायदा फिर, इसलिए मैं डेली ब्लॉग नहीं डालता हूँ। तो अभी आपकी आती तो रील बनाते हैं, लेकिन अभी आई नहीं। शुक्र है आ गए मैं। ओए होए, क्या मेकअप, क्या मेकअप तो क्या, मतलब सब दस के आ गई। ऐसे मत बोल देना कि मूवी नहीं धोया सुबह से। मैंने तो धोया नहीं है, ऐसे मत बोल। लोग पता क्या क्या बोलते हैं, एक भाई लोग बोल रहा था, कोई पता नहीं, आप लोग खाना कैसे खाते हो बिना मुंह धोए। भाई साहब, हाथ धो के खाते हैं यार, मुंह धो के मुंह थोड़ी ना डाल देना खाने में। क्या बात करते हो यार आप। तो चलो रील बनाते हैं अभी, पहले ये मेकअप तो करना ही पड़ता है। इधर हेलो हाय कौन करेगा, हेलो हाय कौन करेगा, मतलब जब करूंगी तब बोलूंगी मेकअप। ठीक है, तो करके आ जाओ। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आए हो, हेलो हाय जगत। ये किसकी लगाई, ये किसकी, किसकी लगाई, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो क्या मेरा क्या आपका, ये तो है। अभी यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ। क्या ये क्या बोल रही है बताओ, ये बोल रही, पहले तो जाओ मेरे इधर आओ। क्यों क्यों चलो, उधर से स्टार्ट करो बोला। अच्छा, उधर से स्टार्ट करें, ठीक है, हम लोग उधर आते हैं ना, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप आ जाओ ऊपर। तो चलो अभी ऐसा करते हैं कि हम लोग रील बना लेते हैं। A few moments later. अभी यार गाइस, हम लोगों ने रील्स वगैरह बनाई, उसके बाद हम लोगों ने वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया है। बहुत तगड़ी तगड़ी अच्छी अच्छी वाली इंस्टाग्राम पे रील बनाई है, मैंने भी अपने अकाउंट पे डाली है और आरती ने भी डाली है। तो आप लोग जाइएगा इंस्टाग्राम पे, हमें क्या कर लीजिएगा, हाँ जी फॉलो कर लीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोनों के इंस्टाग्राम का लिंक। तो वहां पर जाइए, फॉलो करिए, एंजॉय करिए, रील मस्त वाली तगड़ी वाली रील बनी है। क्यों, कैसी बनी है, अच्छा खुद ही बता दो, तगड़ी बनी है ना। और कुछ गला सा खराब लग रहा है, तो पता नहीं आवाज कैसी आ रही है कैसी नहीं। आजकल हम लोग माइक भी नहीं लगाते, क्योंकि जिस तरह से फोन कैप्चर करता है ना हमारी जो आवाज है, रिकॉर्ड करता है, तो उसी तरह से वो माइक करता है। पता नहीं माइक में कुछ खराबी है कि क्या है, तो सेम ही मतलब आवाज आती है। तो मैंने सोचा कि जरूरी वो इतनी लंबी तार लगा के रखनी है, तो इसलिए अभी मैं फोन में ही रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब माइक नहीं लगा के रखता। पता नहीं आवाज कैसी आती है कैसी नहीं आती है। तो आधा पौना घंटा हम लोगों ने रील्स बनाई, तो उसके बाद मौसम भी अभी थोड़ा और साफ हो गया है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सूरज निकला है और हल्की हल्की धूप लगी है, थोड़ा कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप लग रही है, और मौसम भी थोड़ा थोड़ा इस साइड साफ हो रहा है, लेकिन इस साइड
वैसा ही, क्योंकि इस साइड पहाड़ है ना, तो इस साइड मुझे लगता है कि बर्फ पड़ रही होगी पहाड़ों पे, ऊपर ऊपर टॉप पे भी तो पड़ी हुई है, धर्मशाला की साइड की पहाड़ी है ना ये, तो वहाँ पे बर्फ पड़ रही होगी शायद। तो अभी जी थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी आ चुकी है, रिम्स बना बना के हम लोग थक गए ना, तो इसलिए अभी मैगी आई है। आरती आजकल मैगी छोड़ दी, आरती ने आरती लेके नहीं आई, मैं अकेले लेके आया हूँ। फिर कोई बात नहीं, एक स्पून दे दूंगा, ठीक है, एक बाइट मतलब। हाँ, तो आरती आजकल मैगी नहीं खाती है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, लेकिन वैसे ऐसा है कि मन कर रहा हो ना तो खा लेना चाहिए, मन पे जब मन करता है कोई भी चीज तब बुरी नहीं लगती है। तो अभी चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद खा लेना फिर, ठीक है। और अभी धूप भी निकल चुकी है, बादल जो थे काफी ज्यादा वो अभी थोड़े हट गए हैं, अभी हल्के हल्के रहते हैं लेकिन हट गए हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल साफ हो गया है और सामने एकदम ऑसम वाला व्यू आ रहा है देखिए। अभी इस व्यू का नजारा लेते हैं और साथ में खाते हैं मैगी। आप मैगी खाओ, मैं चाय बना के लाती हूं। ठीक है जी, ठीक है, जल्दी से ले आना, ठीक है, ठीक है, आइए। अभी यार मैं मैगी तो खा बैठा, लेकिन आरती गई हुई है चाय लाने, तो पता नहीं चाय बन रही है कि उसकी दाल बन रही है, अभी तक आई नहीं, लेकिन आ गई है सुमायरा। हेलो सुमो, कैसे हो? पहले तो बड़ी बात कर रही थी, अभी बात नहीं कर रही है। क्या हुआ, ये क्या लिया हुआ है, शर्म आ रही, शर्म? अभी कुछ बोलेगी नहीं, सुबह से शाम तक ये जीभ मुंह में नहीं डालती, इतनी सारी बातें करती है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, आदमी समझ नहीं आती इसकी बातें, मतलब बोली जाती है कुछ ना कुछ बोली जाती है। इधर वेट करने के बाद अभी आरती भी आ चुकी है, शुक्र है आप आए, तो मैंने सोचा आएगी नहीं वापस। क्यों नहीं आऊंगी? चाय का है। मैं चाय की वेट में बैठा था, ये लेके नहीं आई, मैंने सोचा दाल बना रही होगी, चाय बना रही होगी, मैंने तो ऐसे ही बोला था, मैं बाद में बोला नहीं था कि ले आना, मैं तो वेट कर रहा था। चलो कोई ना, वैसे मैं पीता ही काम हूँ चाय, तो वैसे आपसे एक बात करनी थी मुझे, बात ऐसी है ना कि मैं क्या सोच रहा था, दोस्तों पहले बात नहीं करी थी, अभी बोलती दोस्तों, तो मैं दोस्तों बोले बोले दोस्तों, नहीं जो नीचे बटन है वो बाहर रह कर जो फूलना नहीं दोस्तों, बाय। जो नीचे बटन है उसको दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और बाय, भूलना नहीं। हाँ भूलना नहीं और बाय। तो मैं ये बोल रहा था ना कि मैं यहाँ पे आए हुए बहुत दिन हो गए, तो घर में भी वैसे कुछ ना कुछ काम होगा, तो मैं सोच रहा था कि कुछ दिन घर में जाके आता हूँ, फिर बाद में जब मन नहीं लगेगा तेरा तो भी कुछ टाइम बाद आ जाऊंगा, कुछ दिन कर रह के। वो तो ठीक है, लेकिन काम भी था ना, बर्फ तो पड़ रही है, लेकिन और भी तो लोग आ जा रहे हैं, रोड वगैरह का पता तो होना चाहिए, यहाँ पे 20 तारीख को शादी तो है, आना जाना क्या करना। तो अभी अभी तक पाँच, अभी तक पाँच तारीख, आज कितने हैं, पाँच छः, पाँच है तो 20 तारीख को है शादी, तब तक वापस आ जाएंगे 10 दिन, 2-4 दिन ही सही, ठीक है, मुझे 2-4 दिन की बात है, मैंने बोल दिया, बस मैंने भी बोल दिया, देखते हैं क्या बनता है, देखना कुछ नहीं है। अच्छा रोड का पता कर लूंगा, मौसम का पता कर लूंगा उसके बाद, ठीक है, शादी 20 तारीख को है अभी, तो क्या हुआ थोड़े दिन, आज 5 हो गई। यहाँ पे वैसे भी ना बैठे बैठे मतलब ऐसे होता ना कि कहीं ना आना कहीं जाना, तो बोर सा हो गया, तो गया। सही में बोलूँ तो क्या हो गया, तभी मैं ऐसे रोड है सोचो, ठीक है वो तो है, चलो पूछ लूंगा उसके बाद, ठीक है, ऐसे कर दो, मैं बात नहीं करूंगी, इसकी तरह इसने सिखाया सभी, चलो ठीक है नहीं, मतलब नहीं जाऊंगा, 50-50 नहीं, हाँ 60% चांस है नहीं जाऊंगा, 40% चांस है, ठीक, चलो देखेंगे फिर क्या बनता है। हाँ तो मान तो ली, बोल तो रहा हूँ, ठीक है नहीं जाऊंगा, ठीक है, अच्छा ठीक है नहीं जाऊंगा, बस खुश अब, प्रॉमिस नहीं करता, बस खुश ना, नहीं जाऊंगा, चल ठीक है नहीं जाऊंगा, बस अब ठीक है ना, स्माइल कर दे बच्चा, ये कौन सी स्माइल, देखते हैं अभी, क्या करेंगे मास्टर को ना एक रूम में बंद कर देंगे, बाहर इतना बड़ा ताला लगा देंगे, ऐसे करेगी ना,
अभी यार गाइस शाम के बजने लगभग 6। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं प्लान था कि घर जाने का, तो आरती को पूछा तो आरती मना कर रही है। तो आपको पता ही है कि शादी के बाद में भाई आपका अकेले का डिसीजन जो होता है वो मायने नहीं रखता। आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसकी भी राय लेनी पड़ती है, उसका भी मतलब हाँ होनी चाहिए, तभी वो कुछ काम जो है आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी कामों में कि हाँ अभी शादी कर ली तो सभी बीवी को पूछ के ही करेंगे काम। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि पूछने पड़ते हैं, कुछ डिसीजन तो ऐसे होते हैं चलो अकेले ले लिए, लेकिन कुछ होते हैं जो पूछने ही पड़ते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने इसलिए इसके बारे में पूछा कि मैं घर जाना चाहता हूँ ऐसे वैसे, तो बाद में कुछ टाइम बाद आ जाऊँगा। आरती इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है हमारे यहाँ पे आपको पता ही है कि अभी स्नोफॉल हो रही है तगड़े वाली वहाँ पर, तो ऐसे में रोड वगैरह जो है वो खराब होते हैं, नीचे बर्फ जमी होती है, स्लाइडिंग वगैरह हुई होती है, तो ऐसे में रिस्क रहता है, इसलिए वो मना कर रही है। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। वैसे बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा, रोड वगैरह ठीक हो जाएंगे, मौसम वगैरह ठीक हो जाएगा, तब देखते हैं जाने की। अभी साथ में आरती भी आ गई है, आप ही बात चल रही थी अभी, पता है बस बोल रहा था कि शादी के बाद में मुझे इतने सारे जो है मतलब कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ बोलना नहीं पड़ता, सारे बस, सारे कर खुद ही हो जाते हैं सारे काम। तो मैं ऐसे बोल रहा था कि शादी करने के बाद में बीवी की भी माननी पड़ती है बात। नहीं तो नहीं मानी तो भाई साहब झगड़ा होना तो तय है। नहीं मैं तो झगड़ा होने वाली नौबत नहीं आने देता, मैं तो सारी बातें मान जाता हूँ। तो जिन्होंने शादी करी है उनको पता होगा क्या होता है क्या नहीं, जिन्होंने नहीं शादी करी उनको पता लग जाएगा भाई साहब ऐसा होता है, ऐसा ऐसा रहता है शादी का लड्डू, जिसने खाया वो भी पछताएगा। नहीं ऐसा होता है, कैसे बोलते हैं, जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए, ना ना वो भी पछताए, ऐसा है जो पछताए जो ना खाए वो भी पछताए। वो इसलिए सुनो, जो शादी का लड्डू खाए वो इसलिए पछताए कि यार कहाँ शादी कर ली मैंने, पहले तो लाइफ बड़ी अच्छी थी। नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, कहावत बता रहा हूँ, पहले कहावत तो सुन लो कैसे है। तो ऐसा होता है कि जो होता है शादी का लड्डू यार कहाँ खा लिया मैंने, नहीं करता शादी तो पहले बेस्ट लाइफ थी सिंगल वाली। तो जो नहीं करता है वो बोलता है यार शादी करना चाहिए, मुझे करनी चाहिए, क्योंकि वो इसलिए पछताता कि यार मुझे शायद शादी होता कि शादी करने में बाद में शायद मेरी लाइफ जो है वो झींगा लाला हो जाए। नहीं ये कहावत बोली मैंने, मैं नहीं पछता रहा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसी लाइफ पार्टनर कहाँ मिलेगी मुझे, दिया लेके ढूंढने लगूंगा तो भी नहीं मिलेगी। नहीं सच में। चलो यार ऐसा करते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ कहीं काम पे, तो वहाँ पे ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा करते हैं कि आज किस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए ब्लॉग का आपको ये कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोल 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 क्या बोल रही बोल ले बोल, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा दोस्तों, टाटा कर दो इसको बोल रहा है।